अक्सर कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो स्कूल के पूरे साल पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने में और एंजॉयमेंट करने में निकाल देते हैं, और जब उनके फाइनल एग्जाम को आने में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचता है तब वो ये सोचते हैं कि आखिरकार हम इन बचे हुए 30 दिनों के अंदर आखिरकार कैसे तैयारी करें, क्या याद करें, क्या ना करें, जिससे कि हम जो है आसानी से पासिंग लाइक नंबर हर एक सब्जेक्ट में ला सकें। अगर आपके साथ भी इस साल ऐसा ही हुआ है या फिर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ये सही नंबर आंसर जरूर देना। और आज के हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है इन 30 दिनों के अंदर पढ़ाई करके अपने हर एक सब्जेक्ट में आसानी से पासिंग लाइक नंबर ला सकते हो। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर एक, आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4 साल पुराने लास्ट टर्म के क्वेश्चन पेपर को कहीं से भी कैसे भी अरेंज कर लीजिए और फिर इसके बाद आप लोग अपने एक एक क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो कि हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है अपने 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नंबर दो, आप लोग अपने स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो है टिक करा लीजिए, और आपके टीचर आपको जो भी क्वेश्चन आंसर टॉपिक टिक करके दे देते हैं आप जो है उन्हें अच्छी तरह से याद करिए। नंबर तीन, अगर आपके पास अपने हर एक सब्जेक्ट की सॉल्यूशन गाइड है, प्रश्न बैंक है या फिर परीक्षा बोर्ड है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आप लोग जो है उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वर्ड वर्ड आंसर, उनको जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अगर आपके पास याद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम आप लोग आंसर के साथ 3 से 4 बार जो है उनकी रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर को याद करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते और आपको जो है नंबर भी सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है वन वर्ड आंसर को भी अच्छी तरह से याद करने पर ध्यान दीजिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, और जाते आते आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि भले ही आप कम याद करें लेकिन अच्छा याद करें। आप लोग क्वांटिटी पर ध्यान ना दें बल्कि आप क्वालिटी पर ध्यान दें, कम याद करें लेकिन अच्छा याद करें, और साथ ही साथ आप लोग जो है रिवीजन भी करते रहें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।